हेलो एवरीवन, अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जो एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, यानी जिस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो उसके लिए डायरेक्टली आपको कैशबैक मिलता है, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है। और उस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आप बहुत जगह स्पेंड करते हो और आपको हर महीने जो है 4,000, 5,000, 10,000 तक की बचत हो जाती है, यानी कैशबैक के फॉर्म में रुपीज जो है वापस मिल जाता है। तो वैसे क्रेडिट कार्ड का अगर आप मिसयूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अभी मिसयूज कैसे किया जाता है, आपको कैसे पता लगेगा आप मिसयूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आप उससे कैसे बच सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर्स का जो है Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। आपको पता हो कि Amazon पे ICICI बैंक जो क्रेडिट कार्ड है एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, यानी आप उससे जो भी स्पेंड करते हो, चाहे आप Amazon पे कर लो या अदर किसी साइट पे कर लो, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कैशबैक मिलता है। तो बहुत सारे यूजर्स जो है इसका फायदा ले रहे हैं और एक मिस्टेक के कारण जो है उनका ये वाला क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जा रहा है। इससे पहले इस तरह का जो कदम उठाया था एक्सिस बैंक ने उठाया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट यानी कैशबैक मिल जाता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर स्पेंड करने पर। तो इस क्रेडिट कार्ड का भी जो लोग मिसयूज करते थे उनका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जा रहा था, और इस तरह का अभी नहीं बल्कि एक साल पहले से ही उस अपडेट को ला दिया गया था, एक साल पहले से ही ये सारी चीजें हो रही थी। बट Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ में ऐसा नहीं हुआ था, बट अब जो है यहाँ पर ऐसा शुरू हो चुका है, यानी अगर आप इसका मिसयूज करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपका भी क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ आपको SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ भी देखने को मिल सकता है। उस क्रेडिट कार्ड से कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए तो आपका भी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो आखिर कौन सी वो ट्रांजेक्शन है जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका जो क्रेडिट कार्ड है ब्लॉक ना हो और आप फ्यूचर में भी उस क्रेडिट कार्ड का फायदा लेते रहे, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सो आपके पास में एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास में Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है, या आपके पास में SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, उन क्रेडिट कार्ड का जो भी पर्सन मिसयूज करता है उसे बताने से पहले, यानी कौन सा मिसयूज होता है, उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड किस पर्पज के लिए देती है। वो आपको पर्सनल यूज के लिए देते हैं, यानी जो आपकी डेली नीड्स हैं, जो आपकी जरूरतें हैं उनको आप फुलफिल कर सको उस क्रेडिट कार्ड से। आप उसे अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, एक कमर्शियली यूज के लिए अगर इस्तेमाल करोगे, तो उस पर्पस के लिए अदर क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। जो आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ ये वाले क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए जो बैंकें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं वो एक दूसरे क्रेडिट कार्ड ही प्रोवाइड करते हैं। ये वाले जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो ये पर्सनल यूज के लिए आपको दिया जाता है। तो अगर आप इन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कोई भी चीज बल्क में ऑर्डर करोगे, मान लीजिए कोई सेल आ गया Amazon पर या Flipkart के ऊपर, तो Amazon पर कोई सेल आ गया तो आपने वहां से एक फोन की जगह 5 फोन या 10 फोन ऑर्डर कर लिए। आपको जरूरत है एक फोन की, क्योंकि आप सिंगल पर्सन हो तो आप एक ही फोन ऑर्डर करोगे ना, या ज्यादा से ज्यादा 2 फोन ऑर्डर कर लोगे, लेकिन आप 10 फोन ऑर्डर कर रहे हो। इट मीन्स आप इस ट्रांजेक्शंस के जरिए कमाई कर रहे हो, आप इसको कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस जो है बैंक की नजर में आने के बाद में आपका जो क्रेडिट कार्ड है ब्लॉक कर दिया जाता है, पहले तो टेम्पररीली ब्लॉक किया जाता है, और जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। देन उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है कमर्शियल यूज के लिए किया गया है, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर आप उस क्रेडिट कार्ड को कोई यूज नहीं कर पाओगे, और जो आपको कैशबैक मिलना होगा ना, जितना भी आपने कैशबैक की लालच में आकर ये ट्रांजेक्शन किए होंगे, वो कैशबैक भी होल्ड पे चला जाएगा और वो कैशबैक भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप ऐसी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं या करने का सोच रहे थे तो प्लीज ऐसी ट्रांजेक्शन मत कीजिए, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। और करेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे यूजर्स के साथ में हो चुका है, जिनमें से कईयों ने मुझे जो इंस्टा पर मैसेज वगैरह किए हैं, तो उसी का रेफरेंस लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप सभी को अवेयर कर रहा हूं ताकि आप भी जो है इस तरह की मिस्टेक ना करें। बट अगर आपसे ये गलती हो चुकी है, यानी आपने किसी सेल में या भी करेंट टाइम में ही मान लो एक जगह 10 फोन ऑर्डर कर लिए, यानी आपने अपने फायदे के लिए कमर्शियल यूज कर लिया और कार्ड ब्लॉक हो चुका है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? तो पहली चीज तो आप कस्टमर केयर में कॉल करोगे तो उनकी तरफ से साफ ही इनकार कर दिया जाएगा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है। अब आपको 3 से 6 महीने बाद अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं एक नया क्रेडिट कार्ड। लेकिन आप चाहते हैं उस वाले क्रेडिट कार्ड को दोबारा से
चालू करना, तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपका ब्लॉक हो चुका है उसके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपने एक मेल सेंड करना है कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन की है वो गिफ्ट पर्पस के लिए किया है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं किया है। यानी आपके घर में एक फंक्शन आ गया था जिस फंक्शन में आपने जो आपके गेस्ट आए हुए थे उनको आपने ये फोन्स वगैरह दिए हैं या जो भी चीज आपने बल्क में ऑर्डर की है वो उन्हें देना था, इसीलिए आपने ये ट्रांजेक्शन किया है। अगर आप कंप्लीटली इसे जस्टिफाई कर पाते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है अनब्लॉक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक है 100% ही वर्क कर जाएगा, लेकिन आप एक ट्राई कर सकते हो, हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अनब्लॉक हो जाए। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।